आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। शमशान में अज्ञात महिला की साधना, रात दिन हो रहा ओम नमः शिवाय का जप। बैतुल जिले में प्रसिद्ध नदी पर तपस्वियों, साधकों और तांत्रिकों द्वारा कई अविश्वसनीय और विचित्र तरीकों से साधना किए जाने के मामले हम आए दिन देखते और सुनते आए। इनमें से कई तरीके इतने हटकर होते हैं कि यकीन ही नहीं होता। साधना या तप इस तरह से भी की जाती होगी। भारत वैसे भी धर्म प्रधान देश है और यहाँ साधु संतों के कई चमत्कारों के किस्से हम सुनते रहते हैं। इसी तरह का कुछ नजारा इन दिनों बैतूल जिला मुख्यालय के समीप खेड़ी ताप्ती घाट पर भी देखा जा रहा है। पुण्य सलीला माँ ताप्ती वैसे भी तपस्वियों की तपोभूमि है। पूर्व में ही यहाँ कई तपस्वियों ने कठोर तप किए। बीते 3 दिनों से भी एक अज्ञात महिला यहाँ निराहार रहकर रात और दिन स्मशान घाट में स्मशान निवासी भगवान भोलेनाथ का अखंड जप कर रही है। जानकार इसे अघोरी साधना बताते हैं। महिला के बारे में बताया जाता है कि ताप्ती घाट खेड़ी सांवली गढ़ पर ये अज्ञात महिला बीते 3 दिनों से मौजूद है। यहाँ स्मशान घाट में जहाँ लोहे के एंगल्स के बीच अंतिम संस्कार के लिए मृतक की चिता बनाई जाती है, वहीं पर अपना डेरा डाले बैठी है। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।